दिल्ली में एम्स के खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सालों से फैकल्टी और नॉन फैकल्टी कैटेगरी में पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। याद रहे कि जब 1956 में एम्स की स्थापना की गई थी तो उसका लक्ष्य था कि देश में एक ही जगह पर बढ़िया से बढ़िया मेडिकल सेवा मिले, स्वास्थ्य से जुड़ी हर ब्रांच को विकसित किया जाए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर मेडिकल स्टूडेंट्स को सही ट्रेनिंग मिले, रिसर्च पर जोर हो, नई और गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को देश ही में विकसित किया जा सके। कुल मिलाकर ये कि मेडिकल फील्ड में हाई स्टैंडर्ड्स विकसित किए जा सकें और मेडिकल केयर देने की राह में देश आत्मनिर्भर बन सके। फरवरी 2017-18 को एम्स एक्ट से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ने जो रिपोर्ट दी उसे देखकर समझ में आता है कि ऑल इज नॉट वेल विद एम्स। खुद मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि फैकल्टी कैटेगरी में 883 लोग सैंक्शन किए गए जिसमें से केवल 245 पोस्ट ही भरी गई। नॉन फैकल्टी कैटेगरी में तो हाल और भी ज़्यादा बुरा है। 11,807 सैंक्शन पोस्ट में से महज 9,782 पोस्ट ही भरी गई हैं और 2,025 पोस्ट अभी भी क्वालिफाइड लोगों के इंतज़ार में है। जाहिर सी बात है कि ज़रूरी स्टाफ के अभाव में संस्थान क्वालिटी हेल्थ केयर दे पाने में कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और तो और 2006 में एम्स दिल्ली की ही तर्ज पर बड़े ही गर्मजोशी के साथ 6 नए एम्स खोले गए, लेकिन वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है। स्टेटस ये है कि सभी 6 जगहों पर पोस्ट सैंक्शन की गई 1830 और 2015-16 और 16-17 में एडवर्टाइज पोस्ट रही 1300। उसमें से 527 पोस्ट ही भरी गई हैं और करीब 1300 पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हैं। खुद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इस बात से परेशान दिखे। मिनिस्ट्री के मुताबिक इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी या नॉन फैकल्टी स्टाफ का नंबर सफिशिएंट होने के साथ साथ एफिशिएंट होना भी बेहद ज़रूरी है और जो लोग चुने जा रहे हैं वो योग्यता के पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकाली गई, कहीं पर प्रोफेसर्स की सेवाएं पाने के लिए उनकी उम्र की ऊपरी सीमा को बढ़ाया गया। 300 एडिशनल फैकल्टी मेंबर्स और 1000 से भी ज़्यादा नर्सेस को रिक्रूट किया गया, लेकिन ये कदम समस्या का स्थायी समाधान हरगिज़ नहीं है। अभी इस बीमारी का हल भी नहीं निकला और नए एम्स शुरू करने की बात हो रही है। इन हालात में एक्सपेंशन का क्या मतलब? जब तक एम्स संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर नहीं होती तब तक ये संस्थान अपने लक्ष्य से दूर ही रहेंगे। इस मर्ज का इलाज तो जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा।